अयोध्या मंडल में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त श्री जीसी श्रीवास्तव द्वारा पूरे मंडल में रिटेल होलसेल मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस के लिए तमाम अवैध वसूली की जा रही है। पूर्व में जीसी श्रीवास्तव देवीपाटन मंडल के सहायक आयुक्त तो ड्रग थे, वहां से ट्रांसफर होकर अयोध्या आए हुए हैं। इनके विरुद्ध देवीपाटन मंडल में मंडलायुक्त श्री बी रंगा राव जी, दूसरे मंडलायुक्त वर्तमान में जो हैं श्री एमपी अग्रवाल जी, दोनों लोगों के द्वारा प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा कर दी गई है। आरोप पत्र भी इनको निर्गत किया जा चुका है। उसके बाद भी इनको अयोध्या जनपद में स्थानांतरित किया गया और अयोध्या जनपद में इनके द्वारा अवैध वसूली कराई जा रही है और इनसे कार्य लिया जा रहा है, जबकि ये पूर्ण रूप से दोषी हैं। मेरे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं जिसमें इनके द्वारा इनके विरुद्ध आरोप तय किया गया है। सारी चीजें जिलाधिकारी गोंडा देवीपाटन मंडल मंडलायुक्त सभी को पता थी। अभी पुनः अयोध्या में भी इनके द्वारा यही कराया जा रहा, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, सभी जगह डीआई शैलेंद्र सिंह, अंबेडकर नगर में अयोध्या के ड्रग निरीक्षक, औषधि निरीक्षक श्री सुमित वर्मा जी, सारे लोग लाइसेंसिंग प्रणाली जारी करने में शासनादेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। सन 2017 में उत्तर प्रदेश के आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन द्वारा यह शासनादेश जारी किया गया कि रिटेल लाइसेंस 24 घंटे के अंदर और होलसेल लाइसेंस 30 दिन के अंदर जारी किया जाएगा, लेकिन पूरे मंडल में एक दिन में कोई भी रिटेल लाइसेंस जारी नहीं किया जा रहा है। उसको सत्यापन के लिए भेजकर मॉडिफिकेशन में डालकर मॉडिफिकेशन का खेल खेलकर सहायक आयुक्त ड्रग द्वारा ऑफिस में बैठकर अपने ड्राइवर और एक अन्य के साथ मिलकर वसूली कराई जा रही है, जिसमें ड्रग निरीक्षक संपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मेरा मीडिया के माध्यम से अनुरोध है कि उनके विरुद्ध आरोप पत्र निर्गत किया जा चुका है, उनके विरुद्ध दो दो मंडलायुक्तों ने शासन में कार्रवाई की अनुशंसा कर दी गई है। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो इनके विरुद्ध मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचाई जाए और इन्हें आरोप पत्र निर्गत करने के बाद कार्रवाई होने तक किसी भी तरह का कोई कार्य